हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड दिस इज़ डॉक्टर साक्षी। तो दोस्तों, 40s या 50s की एज में कुछ महिलाएं हैं जो कि कुछ सिम्टम जो है वो एक्सपीरियंस करती हैं, जैसे कि ठंडे पसीने आना, बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी रहना, मूड चेंज रहना, उसके साथ साथ पीरियड्स में फ्लक्चुएशन आना, बहुत दिनों तक या महीनों तक पीरियड्स जो हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है, नर्वस बहुत ज़्यादा रहते हैं, बॉडी में पेन बहुत ज़्यादा रहता है, इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, हेडेक रहता है। तो ये जो चीज़ होती है 40s या 50s की महिलाओं में हार्मोनल चेंज की वजह से होती है और इसे मेनोपोज बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी आपके साथ मेनोपोज क्या होता है, कौन सी इसकी स्टेज होती हैं और एक ऐसी बेस्ट मेडिसिन के बारे में जो कि आपके सभी सिम्टम मेनोपोज के जो हैं वो ख़त्म करेगी। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आगे तक। तो मैं बात कर रही हूँ मेनोपोज। मेनोपोज वो टाइम होता है किसी भी लेडीज़ का 40s 50s में जो आता है, जब आपकी मेंस्ट्रुअल पीरियड से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है स्टॉप हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है और जो हमारी ओवरीज हैं वो भी धीरे धीरे काम करना बंद कर देती हैं, एग्स जो है वो प्रोड्यूस करना बंद कर देती है, एस्ट्रोजन है जो निकलता है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो जो मेनोपोज है उसकी 3 स्टेज होती हैं। पहली जो है वो पेरी मेनोपोज है, जिसे आप मेनोपोज ट्रांजिशन भी बोल सकते हैं। सेकंड जो है मेनोपोज एंड थर्ड इज़ पोस्ट मेनोपोज। अब मैं बात करती हूँ इसकी स्टेज की। सबसे पहली जो स्टेज है वो है पेरी मेनोपोज स्टेज, या फिर आप इसको बोल सकते हैं मेनोपोज ट्रांजिशन। अब ये वाली जो स्टेज होती है ये मेनोपोज से 8-10 साल पहले स्टार्ट हो जाती है। यूजली आपकी 40s में आप होते हो तब आपकी स्टेज स्टार्ट हो जाती है। इसमें जो हमारी ओवरीज हैं वो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करना बहुत कम कर देती है, बहुत कम एस्ट्रोजन जो है, जो हार्मोन है वो कम प्रोड्यूस होता है, एग्स भी जो है वो कम प्रोड्यूस होते हैं और इस स्टेज पे आपके कुछ मेनोपोजल सिम्टम्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ मेनोपोज सिम्टम्स। लेकिन ये ऐसी एज होती है इसमें आप जो है प्रेग्नेंट हो सकते हो, ठीक है, क्योंकि पूरा एस्ट्रोजन का लेवल ड्रॉप नहीं हो रहा है। इस स्टेज में भी आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस जो हैं वो होते हैं। इसके बाद आपकी मेनोपोज स्टेज आती है। इस स्टेज में आपके मेंस्ट्रुअल पीरियड्स जो या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है बिल्कुल पूरी तरह बंद हो जाती है। हमारी ओवरीज जो हैं वो बिल्कुल एग जो प्रोड्यूस करती है वो भी एकदम बंद हो जाते हैं, एस्ट्रोजन का लेवल भी एकदम स्टॉप हो जाता है। इसके बाद आती है पोस्ट मेनोपोजल स्टेज। ये उस स्टेज को कहा जाता है जब हमारे लाइफ टाइम के लिए या एंटायर ईयर या लाइफ टाइम के लिए हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो पूरी तरह स्टॉप हो गई है। यहाँ पे जो आपके मेनोपोजल सिम्टम्स आते हैं वो धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपकी मेनोपोजल स्टेज में आप हॉट फ्लैशेज, परस्पिरेशन सिम्टम्स के बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगी, लेकिन इस स्टेज में आपके जितने भी मेनोपोजल सिम्टम्स आ रहे हैं वो धीरे धीरे स्टार्ट हो जाते हैं ठीक होना। इस स्टेज पे कुछ महिलाओं को एंटायर लाइफ टाइम तक भी ये जो सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलते हैं, रेयर केसेस हैं कुछ महिलाओं को। और इस स्टेज पे जो पोस्ट मेनोपोजल स्टेज होती है इसमें बहुत सी महिलाओं को चांसेस होते हैं हार्ट डिजीज़ के, या फिर ऑस्टियोपोरोसिस हो गया उस चीज़ के, बोन में जो है दर्द रहना, बोन ईजली फ्रैक्चर हो जाना, तो इस स्टेज में ये रिस्क जो है वो बढ़ जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि मेनोपोज में आपको कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला और मेन सिम्टम आता है इसमें हॉट फ्लशेस, जिसको हम वेसोमोटर सिम्टम भी बोलते हैं। इसका मतलब है सडन फीलिंग ऑफ हीट, मतलब आपकी बॉडी में एकदम से आप महसूस करेंगे कि आपकी बॉडी में एक हीट प्रोड्यूस हो रही है। नेक्स्ट इज कोल्ड फ्लशेज, या फिर आप इसको कोल्ड स्वेट भी कह सकते हैं, ठंडे पसीने आना जिसे बोलते हैं, ठंडे पसीने आपकी बॉडी में आना स्टार्ट हो रहे हैं। उसके साथ साथ आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम रहेगी, मतलब कि रात को नींद की जो है नींद बहुत ही ऐसी आएगी, बेचैन रहेंगे आप नींद के लिए, रेस्टलेसनेस, बॉडी बहुत रेस्टलेस होगी आपकी। इसके साथ साथ वेजाइनल ड्राइनेस, ठीक है, आपकी वेजाइना में टोटली ड्राइनेस हो जाएगी।
उसके बाद यूरिन अर्जेंसी, मतलब बार बार आपको यूरिन करने के लिए जाना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको जो है रेस्टलेस डिप्रेशन बहुत, मतलब आपकी मूड स्विंग्स होने स्टार्ट हो जाएंगे, कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, कभी कभी आप सैड हो जाएंगे, ठीक है, डिप्रेशन आपको हो सकता है। इसके साथ साथ आपकी स्किन जो है, आइज़ जो हैं, ये ड्राइनेस यहाँ पर होनी स्टार्ट हो जाएगी, आपको बहुत ही ड्राई महसूस होगा। ब्रेस्ट में जो है वो चेंजेस स्टार्ट हो जाएंगे, ब्रेस्ट टेंडरनेस होगी, रेगुलर पीरियड्स तो इसमें है ही हैं, हेडेक हो सकता है, ठीक है, जॉइंट पेन हो सकता है, मसल पेन हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, और आपके जो हेयर्स हैं आप हेयर में भी ट्रांजिशन देखेंगे कि हेयर्स जो हैं वो भी थिनिंग ऑफ हेयर्स जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो अब मैं बात करती हूँ होम्योपैथी मेडिसिन की, जो है रेक्वेक की जर्मन की R10 क्लाइमेट्रिक ड्रॉप्स। ये जो ड्रॉप हैं ये आपकी मेनोपोज की जितने भी सिम्टम्स हैं उसे कवर कर लेती है। इसमें बहुत सी ऐसी मेडिसिन पड़ी हैं जैसे एसिड सल्फ होगी, सिम्सिफ्यूगा होगी, नेक्स्ट सेपिया होगी, सेंगुनेरिया होगी, जितने भी आपके एंडोक्राइन डिसफंक्शन हो रहे हैं ड्यूरिंग योर मेनोपोज पीरियड, उन सबको कवर कर लेती हैं। तो अब इन मेडिसिन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। फर्स्ट मेडिसिन, इसमें एसिड सल्फ डली हुई है। अगर आपको फिजिकल वीकनेस हो रही है ड्यूरिंग योर मेनोपोज पीरियड, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा गैस प्रॉब्लम हो रही है, फ्लैचुएंस प्रॉब्लम हो रही है, और हॉट एंड कोल्ड फ्लैशेज या परस्पायरेशन, ठीक है, ठंडे या गर्म पसीने आ रहे हैं, एसिड सल्फ इसमें सभी सिम्टम को कवर कर लेती है। सिम्सिफ्यूगा में आपको जितने भी एंडोक्राइन डिसफंक्शन हो रहे हैं इस मेनोपोजल एज में, तो उसे कवर कर लेती है। रेस्टलेसनेस है बहुत ज़्यादा और डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है, उसे कवर कर लेती है। नेक्स्ट मेडिसिन इसमें है सेंगुनेरिया। सेंगुनेरिया स्पेशली अगर इसका रेड लाइन सिम्टम है तो हेडेक या फिर चिंता की बहुत अच्छी मेडिसिन है ये, और हेडेक ड्यूरिंग योर मेनोपोजल पीरियड तो उसमें काम कर जाएगी। इसके साथ साथ इसमें अल्टरनेटिंग हीट एंड कोल्ड, मतलब कभी कभी ठंड लगेगी या ठंडे पसीने आएंगे और एकदम से कभी कभी गर्म पसीने आएंगे, उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। नर्वस इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है उसके लिए अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन जो है सीपिया। सीपिया तो है ही लेडीज़ की मेडिसिन, हॉर्मोनल जहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं और जितने भी इरिटेबिलिटी है बहुत ज़्यादा, ठीक है, डिप्रेशन में अगर लेडीज जा रही हैं, और इनडिफरेंट टुवर्ड्स योर फैमिली मेम्बर्स और टुवर्ड्स योर चिल्ड्रंस, और इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, रेस्टलेसनेस जहाँ पे है, और बियरिंग डाउन सेंसेशन है, तो सीपियंस मेनोपोजल के सभी सिम्टम्स को जो है कवर करती है। तो अब मैं इसकी डोसेज की बात कर लेती हूँ, इसको आपने लेना कैसे है। कांच के गिलास में थोड़ा सा पानी लेना है, 4 to 5 spoons जैसे मैं बताती हूँ, और इसकी 10 to 12 ड्रॉप्स आपने 3 times लेनी है। सिम्टम बहुत ज़्यादा ही है या एग्रावेशन बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप इसको दिन में 3 to 4 times ज़रूर ले सकते हैं, और जैसे जैसे आपके सिम्टम्स जो है इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएँ तो डोज को आप रिड्यूस कर दीजिए। 1 month तक तो इसको ज़रूर लीजिएगा, और जैसे जैसे आपको 1 month में ही इसमें फ़र्क आना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद आप डोसेज को रिड्यूस कर दीजिएगा। एकदम मेडिसिन आपको नहीं छोड़नी है, जिसे आप 3 to 4 times ले रहे हैं 2 times लीजिए, देन 1 time, और धीरे धीरे इसको छोड़िएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। मिलती हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो लाइक कीजिए और आगे से आगे शेयर कीजिए। थैंक यू।